स्टार्ट में कर रहा हूं, स्टार्ट को बता दो। अरे उठ भैया, जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK की पावर में। तो गाइस आज मैं काफ़ी दिन या महीनों के बाद में, ऐसा समझ लो महीने हो गए मेरे को इस लोकेशन पे आए हुए। ये नदी का वही सीन है जहाँ पे पानीपत में निशु भाई ट्रैक्टर से इंस्टेंट किया करते थे। तो इस लोकेशन पे मैं आज काफ़ी महीनों के बाद में वापस आया हूँ, और आने का सिर्फ एक ही रीज़न है गाइस यार, कि मैं यहाँ से रात के 12 बजे फिक्स 12 बजे एक पन्नी के अंदर मिट्टी लेने वाला हूँ इस लोकेशन से, और फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। ठीक है ना गाइस, जो बात है क्लियर मैं आप लोगों को यहीं पर बोल देता हूँ। और मेरे साथ में एक छोटू जो जिससे मैं आप लोगों को भी मिलाने वाला हूँ, और वो जो है निशु भाई के घर के बगल में रहते हैं यार। उनके साथ भी काफ़ी दिनों से एक ऐसा इंसिडेंट हो रहा है कि यार निशु भाई उनके सपने में आते हैं और इस लोकेशन पर आने के लिए उनको फोर्स करते हैं यार। तो छोटू एक बार आप इधर आओ कैमरे के सामने। तो गाइस ये छोटू है, तो इनको आप लोगों ने पहले बार देखा होगा, क्योंकि ये दरअसल में निशु भाई के साथ में रहते थे जब निशु भाई ट्रैक्टर से इंस्टेंट किया करते थे, तो ये उनके साथ में कभी कभी इस लोकेशन पर आ जाते थे। तो छोटू निशु भाई आपको क्या बोलते हैं? अच्छा मतलब यहाँ पे आप आओ है ना। वास्तव मिट्टी ले। तो गाइस देखो मिट्टी लेने के लिए इनको बोलते हैं यार दरअसल में। तो यहाँ से हम लोग आज रात के 12 बजे मिट्टी लेने वाले हैं, और फिलहाल में टेंट लेकर आए हम लोग, टेंट दिखाओ। तो गाइस कैंपिंग टेंट जो हम साथ में लेकर आए हैं, क्योंकि मौसम जो है गाइस काफ़ी ख़राब हो रहा है, बारिश कभी भी हो सकती है। अब हमारे पास में लाइट भी है, कैमरा भी है, माइक भी हमारे पास में। तो गाइस ये काफ़ी महंगी महंगी चीज़ें, हो सकता है ये बारिश से गीली होकर ख़राब हो जाए, तो इसलिए हम लोग थोड़ा टेंट की सुविधा हमारे साथ में रख रहे हैं। बाकी लोकेशन पे चलते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ चारों तरफ से। तो गाइस ये है लोकेशन पूरी की पूरी। अभी गाइस आप लोग सोच रहे होंगे लोकेशन चेंज कैसे है, तो मैं आप लोगों को मेन जो बात है वो बता देता हूँ। ये जो लोकेशन है नदी के पीछे वाली लोकेशन है, जहाँ पे भाई का इंतकाल मतलब ट्रैक्टर से दबकर मौत हुई थी, वो जगह उस पार है, और उस पार काफ़ी पानी भर चुका है गाइस। उधर हम लोग जा नहीं सकते, अभी काफ़ी लेवल में पानी आ चुका है वहाँ पे। बारिश आप लोगों को पता है हो रही है लगातार यार, और यहाँ पे हम लोगों ने निशु भाई की लगाई है तस्वीर, ये देख सकते हो बिल्कुल। और गाइस ये जो चीले देख रहे हो ना यार, ये यहाँ पे एक और ये वो, ये निशु भाई के ट्रैक्टर के चीले है, आज भी वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। इस लोकेशन को बंद कर दिया गया है क्योंकि उसके बाद में यहाँ पर कोई भी नहीं आया है यार। तो ये छोटू है बस साथ में हमारे, ये और मैं हूँ बस गाइस, दो लोग हैं और कोई भी नहीं है। चारों तरफ से आप लोकेशन देख सकते हो, बिल्कुल सुनी पड़ी है सुनसान। और जो समय है गाइस लगभग 10:30 से 11 के बीच में होने वाला है, और हम लोग रुकेंगे 12 बजे तक का वेट करेंगे और कैंपिंग लगाएंगे, देखेंगे यार इस बीच में हमारे साथ में क्या क्या एक्टिविटी होती है, वो आप लोगों को कैमरे के अंदर बिल्कुल लाइव रिकॉर्ड होकर मिल जाएगी यार। ठीक है ना गाइस। तो छोटू और तो कुछ नहीं बोलते निशु भाई आपको सपने में, और कुछ नहीं बोलते ना? तो उनके परिवार को तो आप लोग जानते होंगे। हाँ। काफ़ी मतलब दुख तो बहुत हुआ होगा यार उनको, है ना? होता है यार दुख तो यार। गाइस देखो यार, एक जवान बेटा, उनकी पत्नी भी तो है ना, उनके छोटा बेटा भी तो है ना। हाँ। तो गाइस उनके एक बच्चा भी है और पत्नी भी है, वो भी बेचारे अकेले हो गए यार। तो आप लोगों से यही दुआ करूँगा कि भाई लोगों यार, जो भी आप लोग गाड़ी घोड़ा चलाते हो यार, उनको संभल के चलाया करो, ऐसे फालतू स्टैंड मत किया करो। देखो निशु भाई तो वैसे अपना एक शौक था उनका, लेकिन गाइस यार वो बोलते हैं ना, भगवान जब बुलाते हैं तो बुला ही लेते हैं, तो उनका जाने का टाइम भी हो गया था। लेकिन आप लोग करते हो तो प्लीज़ यार ऐसी चीज़ें बिल्कुल सेफ्टी के साथ में क्या करो, है ना? और इस वीडियो को इतना शेयर करना कि जिन लोगों के पास में अभी तक निशु भाई की वीडियो नहीं पहुँची, उन लोगों के पास में भी पहुँच जावे, और वो भी भगवान जी से दुआ करे कि यार निशु भाई की आत्मा को शांति मिले। तो आज हम लोग निशु भाई की तस्वीर के सामने अगरबत्ती भी करने वाले हैं, तो चलो मैं सबसे पहले टेंट लगा लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ यार जी। तो गाइस यार पूरे 5 मिनट लग गए इसको सेट करने में यार, काफ़ी वक्त लगा। और एक आवाज़ है जो गाइस यार काफ़ी देर से इधर से आई जा रही है, पता नहीं वो किसकी आवाज़ है, कोई पक्षी की है या कोई जानवर है। देखो छोटू उजाला करके देख रहा है गाइस बैटरी से, वो पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ है गाइस। तो यहाँ पर फाइनली टेंट लगाया हम लोगों ने, यहाँ पर निशु भाई की तस्वीर लगी, वहाँ से आवाज़ आ रही है ना। टॉर्च भी कम हो गई छोटू, ध्यान रखना। तो गाइस देखो मैं तो इस शहर के अंदर, इस गांव के अंदर अनजान हूँ यार, ये जानते किस चीज़ की आवाज़ हो सकती है वैसे वो आती है,
कोचरी अल्लू, अल्लू की। तो गाइस पता नहीं भैया बोल रहे कोई अल्लू की आवाज़ है या, लेकिन गाइस मेरे को तो मैं धक्का हूँ क्या बाबा? अरे नहीं नहीं पागल हो गए क्या, उससे क्या लड़ना है यार? नहीं नहीं वहाँ नहीं जाना। गाइस देखो यार मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है कसम से इस लोकेशन पे, लेकिन हम जो अपना काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ निशु भाई की तस्वीर के सामने अगरबत्ती करता हूँ। छोटू आप कैमरा पकड़ सकते हो ना? ठीक है आप कैमरा पकड़ लो यार। तो गाइस छोटू कैमरा चलाएगा ठीक है ना, तो मैं वहाँ पर अगरबत्ती करता हूँ। ये दो माचिस कहाँ रख दिए तुमने यार? तो गाइस तस्वीर पर रखना भाई कैमरा का एंगल ठीक है। तो गाइस अब मैं करता हूँ निशु भाई की तस्वीर के सामने अगरबत्ती, फिर हम लोग 12 बजने का वेट करेंगे और टेंट के अंदर रुकेंगे ठीक है ना। नहीं करते भैया, हवा चल रही है यार छोटू। जय श्री महाकाल। तो गाइस मैं तस्वीर के पीछे इसलिए जला रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हवा चल रही है। छोटू हवा ज़्यादा चल रही है, इधर आओ टेंट के पीछे चला देते हैं, इधर आ जाओ। हवा देखो कितनी ज़्यादा चल रही है। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, जय बजरंगबली। चल रही है, चल रही है बस। ये क्या चीटी, आ जाओ। पूरा सीन लेना छोटू ठीक है ना। तो गाइस अगरबत्ती जल चुकी है मेरी, और अब जो है मैं तस्वीर के सामने अगरबत्ती करता हूँ। जी निशु भाई की। गाइस आप लोग भी भगवान जी से ज़रूर प्रार्थना करना कि यार अपने निशु भाई की आत्मा को शांति मिले, और इस वीडियो को इतना शेयर करना कि मैंने बोला था वीडियो में शुरू में कि जिन लोगों के पास में ये वीडियो नहीं पहुंची उन लोगों के पास में वीडियो पहुंच जावे। तो प्लीज़ यार छोटा सा काम करना, इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना, और कमेंट बॉक्स के अंदर मिस यू निशु देशवाल जरूर लिखना यार, क्योंकि अपने जो भाई थे काफ़ी अच्छे इंसान थे यार, उनके आत्मा को भगवान शांति दे रहे थे। निशु देशवाल काफ़ी अच्छे इंसान थे। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना है, जो मैंने बोलना था वो बोल दिया है। कोई आवाज़ है छोटू जो काफ़ी देर से परेशान कर रही है इधर से यार, किस चीज़ की हो सकती है यार? गैस पता नहीं कोई आवाज़ है जो इधर से लगातार आ रही है। गैस कैमरा जब से मैंने स्टार्ट किया कसम से जब से आवाज़ आ रही है। छोटू कैमरा देना मेरे को एक मिनट यार। गैस काफ़ी डर है वैसे इस लोकेशन पे यार, और पता नहीं कोई हादसा या कोई घटना घटित न हो जाए हमारे साथ में यहाँ पे यार। छोटू इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आज से पहले आप इस लोकेशन पे कभी आए थे? अच्छा रात में नहीं आए ना? रात में पहली बार आ रहा हूँ। गैस रात में पहली बार है मेरे साथ में यहाँ पे। टॉर्च देना मेरे को यार एक मिनट, मेरे को लगता है सुरेंद्र भाई को बुलाना पड़ेगा यहाँ पे यार। देखो वो बेटा वहाँ से, देखो यार कोई ना कोई वहाँ पे बैठा है यार, ये देखो जहाँ पे। मैं जगता रहा हूँ यार। अरे नहीं 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 पागलों के ओए, अरे इधर आ जाओ पागल, पागल जैसी हरकतें मत करो, वहाँ अकेले में तुम कैसे जाओगे? रुको एक मिनट यार, बैटरी टॉर्च पकड़ो। गाइस मैं मेरे दोस्त को फ़ोन करता हूँ सुरेंद्र भाई को यार, उसको यहाँ बुलाना पड़ेगा गाइस कसम से, काफ़ी डर है। छोटू कैमरा पकड़ो तुम यार। गाइस कॉल कर दिया मैंने, घंटी जा रही है। हेलो हेलो सुरेंद्र भाई कहाँ पे हो? हेलो हेलो कहाँ पे हो सुरेंद्र भाई? यहाँ पे हो दुकान पे।
अरे यार, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जहाँ मैं आपको बता के नहीं गया था, मैं एक लोकेशन पे आया हूँ जहाँ पे अपने निशु भाई का ट्रैक्टर स्टैंड करते थे ना, वो यमुना नदी के तट पे, वहाँ पे आप अभी अर्जेंट पहुँचो यार। मेरे साथ में एक बंदा है निशु भाई, ये घर के पास में रहता था, छोटू नाम का है वो, तो लेकिन वो उसको भी डर है यार, मुझे भी काफ़ी डर लग रहा है। इस लोकेशन पे कोई चीज़ है जो काफ़ी देर से परेशान कर रही है यार। आप आओ ना जल्दी यहाँ पे, बाइक किसी की बाइक लेकर हो या कैसे भी पहुँचो इस लोकेशन पे यार। और सुनो मेरी बात सुनो, सामने वाले रास्ते से मत जाना क्योंकि उधर काफ़ी ज़्यादा पानी भर चुका है, और आप पीछे वाले रास्ते से आना, ठीक है ना? ठीक है भाई, तो पीछे वाला रास्ता आ रहा हूँ मैं, 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। आप ठीक है, जब तक मैं कैमरा होल्ड करवा देता हूँ, आप जल्दी पहुँचो, ठीक है ना? काफ़ी डर है यार, क्योंकि हम लोग यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकते यार, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। बंदे को लेकर आना है क्या? और नहीं, बंदे को जरूरत नहीं है, आप आना, और साथ में मैं वो रूम पे अपने वो बैटरी पड़ी है ना, एक्स्ट्रा बैटरी, वो लेकर आना, क्योंकि इसका चार्ज खत्म होने वाला है। ठीक है, तो 10-15 मिनट में आ रहा हूँ मैं, आप भी पीछे वाला रास्ते से। ठीक है, जल्दी आओ, है ना? तो गाइस, मैंने सुरेंद्र भाई से को कॉल कर दिया आप लोगों के सामने बिल्कुल, और वो 15 मिनट के लिए बोल रहे जब तक मैं कैमरा होल्ड कर लेता हूँ यार। तो गाइस, पूरे 15 मिनट के बाद में सुरेंद्र भाई इस लोकेशन पे पहुंच चुके। अभी कैमरे पे भाई सुरेंद्र है और मैं हूँ और साथ में छोटे, अब हम लोग 3 लोग हो चुके। और वो जो आवाज़ आ रही है गाइस, उसको भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया यार। वो कोई जंगली सेवड़ी बोलते हैं ना गाइस यार, सेवड़ी, अब आपकी भाषा में पता नहीं क्या बोलते होंगे, लेकिन उसके गाइस खतरनाक खतरनाक कांटे होते हैं। और जैसे हम लोग पास में, छोटू मांझा पत्थर मत फेंक गाइस, देखो उस जगह एक बिल बना हुआ है बड़ा सा यार, और उसके अंदर वो कभी बाहर आती है कभी अंदर जाती है। जैसे गाइस हम लोग पास में गए, उसने अपने पंख ऐसे फुलाए कि जैसे मान लो कांटे छोड़ दे हमारे ऊपर यार, तो वो काफ़ी हमलेदार होती है, उसके अगर कांटे लग जाए तो गाइस आदमी ख़त्म भी हो सकता है, और उसको जल्द से जल्द अस्पताल में ले जाना पड़ता है। तो हम लोग इस चीज़ का ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे गाइस, और हम लोग अपना काम करते हैं। बाकी सुरेंद्र भाई, आपके आने से थोड़ी हिम्मत मिल गई हम लोगों को यार। क्या छोटू, हो गया यहाँ पे? हाँ अरे आज मैं हुआ क्या कि यार आपको बता के नहीं आया इस लोकेशन पे। ये छोटू था, इनके सपने में आए थे निशु भाई, ठीक है ना? और मेरे को भी यहाँ से मिट्टी ले जानी थी, गुरुदेव ने अपन को बोला भी था कि मिट्टी ले जाना, और अमावस के दिन गंगा नदी में वहाँ कर देना उसका जो भी है। तो गाइस इसलिए हम लोग यहाँ से मिट्टी लेंगे, 12 बजने वाली है। छोटू इधर आ जा, छोटू इसी के अंदर ले लेते यार सुरेंद्र भैया, ठीक आ जाओ, या पहले थोड़ा 12 बजने का वेट कर लेते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने बोला था कि सही फिक्स 12 बजे के समय में आपको वहाँ से मिट्टी लेनी है। तो अभी जो टाइम हो रहा है गाइस, 11:43 हो रही है, कुछ ही देर के अंदर 12 बजने वाली है। जब तक आ जाओ थोड़ा कैंपिंग के अंदर रुकते हैं। सुरेंद्र भाई इधर आ जाओ, छोटू इधर आ जा, इधर आ जा छोटू, इधर आ जा। अरे यार निशु भाई के यहाँ अगरबत्ती बुझ गई, देखो भाई इधर आओ। सुरेंद्र भाई आपने आने में देर कर दी यार गाइस, सुरेंद्र भाई काफ़ी देर से लौटे, तब तक निशु भाई की जो अगरबत्ती चल रही थी वो भी हवा से बुझ गई यार। चलो इसको रहने देते, कहते हैं कि यार एक बार जलाने के बाद जो अगरबत्ती बुझ जाए उसको वापस जलाना नहीं चाहिए। सुरेंद्र भाई आप भी आ सकते हो वैसे तो, गाइस टेंट का तो वैसे कोई मतलब रहा नहीं क्योंकि हम लोगों ने ये तो बारिश के लिए लगाया था, बाकी फिर भी छोटू कुछ है क्या? एक के अंदर लाया था ना मैं दुकान से। सुरेंद्र भाई टेंट तो इसलिए लेकर आ गए हम लोग कि यार अपने पास देखो कैमरे लाइट है ना, और बारिश का कोई पता नहीं, बारिश का मौसम गाइस काफ़ी ख़राब हो रहा है यार, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन सुरेंद्र भाई आप ध्यान रखना, कैमरे के अंदर कोई भी चीज़ रिकॉर्ड होवे ना उसको कैप्चर करना, और कहीं भी दिखे मेरे को तुरंत बोल देना, ठीक है ना? चाहिए पड़े ना, और भी इसके अंदर कोई मैगी वैगी यार, मैगी या पोहे भी थे इसके अंदर, मैंने लिए थे। तो गाइस यार, लेकिन यार इसमें दिक्कत आएगी यार, गाइस देखो यार मैगी भी वगैरह तो बना नहीं सकते क्योंकि इसमें भी हम लोगों को चाहिए। आप खाओ, आप खाओ यार। गाइस मुझे तो भूख लग नहीं रही है यार, छोटों को लग रही है, तो खाने पे। सुरेंद्र भाई आप चाहो तो ध्यान रखना, ठीक है ना? क्या हुआ भाई? कौन है? क्या हुआ? ओ भाई सुरेंद्र भाई, इधर भाई, पीछे जाओ, पीछे जाओ। छोटू 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 पूरा छोटू 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 अंदर है वो, अंदर भाई, छोटू 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 यार क्या कर रहा है अंदर? अंदर क्या कर रहा है छोटू? ओ छोटू, ओ भाई
वही इधर पीछे जाओ सुरेंद्र भाई, पीछे जाओ। हाँ भाई यार भाई इधर आ जाओ भाई, पीछे जाओ पीछे जाओ। वो छोटू के पास में, छोटू के पास में कौन है भाई? इधर उछाला करो सुरेंद्र भाई, काटे इधर आओ यार तुम, पीछे हो पीछे हो पीछे हो। भाई भाई छोटू छोटू कहाँ गया? ओ भाई 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 ओ भाई सुरेंद्र भाई, सुरेंद्र भाई इधर आ गया भाई, इधर कोई ना कोई है वहां पे कसम से यार। इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। क्या हुआ छोटू? हाँ भाई, हाँ अंदर है कोई? क्या हुआ छोटू, क्या हुआ? अंदर है यार कोई। कौन है? हाँ अरे रुको, क्या हो गया तेरे को भाई? इनको क्या हो गया यार? सुरेंद्र भाई रुको, उठ उठ अरे उठ, इधर आ इधर। क्या हुआ छोटू, क्या हो गया? अरे अरे उठ छोटू, ओए क्या हो गया भाई? हाँ क्या हुआ? ओ देखो कौन है, हाँ कौन है? हाँ अंदर है यार कोई भाई। सुरेंद्र भाई इधर आना एक मिनट, देखते हैं वहाँ कौन है भाई। कौन है? कोई नहीं अंदर तो। हाँ कौन है यहाँ? कोई तो नहीं है। बैठ जा बैठ जा यहाँ, बैठ जा बैठ जा बैठ, इधर बैठ बैठ जा बैठ जा। क्या चीज़ देखा तूने? हाँ आत्मा देखी यार वही यार। सुरेंद्र भाई लफड़ा हो गया भाई, पागलों जैसी हरकत कर रहा है छोटू। लेकिन यार कैमरे के अंदर एक चीज़ रिकॉर्ड हुई थी सुरेंद्र भाई यार, वो मैंने अपनी आंखों से भी देखी गाइस। पता नहीं कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई, लेकिन इसको पता नहीं क्या हो गया। ओ भाई ओ छोटू इधर, छोटू इधर आ जा छोटू। ओए भाई 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 पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ भाई, पीछे जाओ भैया सुरेंद्र भाई, पीछे जाओ पीछे जाओ भाई 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 पीछे जाओ पीछे जाओ। सुरेंद्र भाई पीछे जाओ, सुरेंद्र भाई पीछे कैमरा करना भैया। ओए ओड़ी ओड़ी वापस ये, अरे इधर आओ, चीज रिपोर्ट है भाई। क्या हुआ? देखा जा रहा है, पकड़ पकड़, देखा जा रहा है। क्या हुआ? भाग रहा भाई उधर, भाग रहा। वो किधर गया? ओए वो कहां जा रहा है भाई? छोटू ए छोटू भाई, वो हाथ में देखो, हाथ में देखो, उधर बुला रही छोटू को। हाँ यार भाई वो देखो यार, अरे भाई भाई तो नहीं है कसम से यार। सीधा भाई इधर आओ भाई, इधर आओ। हवा भी काफी ज्यादा तेज चलने लग गई गाइस यार, थोड़ी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही, तो माफ करना हम लोगों को भाई। ओए ओए छोटू ये क्या हो रहा है इसको यार? ए अरे उठ छोटू, ओ लो भाई भाई क्या हो रहा है? क्या 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 भाई वो टेंट का, ओए टेंट को पूरा तोड़ दिया। पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे रहो पीछे रहो। अचानक ये सब क्या हुआ जो ये बिल्कुल फड़फड़ाने लग गया यार? छोटू क्या हुआ यार? छोटू ए छोटू ओ छोटू अरे उठ भाई, कैमरे करना भाई इधर। क्या क्या कौन है कौन है? इसको क्या हो गया? निशु भाई क्या आप यहाँ पे हो? अगर आप यहाँ पे हो और हमसे किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो, तो प्लीज माफ करना। और ये जो छोटू है, एक टाइम पे आपके साथ जो हुआ करता था, आप उसको प्लीज ठीक कर दीजिए। अगर इसके अंदर आप अपना शरीर लेके समा गई हो, तो प्लीज आप छोड़ देना इसके शरीर को, और हम लोगों को बस जाने दो। हम दोबारा कभी इस लोकेशन पे नहीं आएंगे, और हम कोई गलत इरादे से नहीं आए, प्लीज हमको जाने दो यहाँ से। सुरेंद्र भाई हाँ भाई अपन निकलते हैं यहाँ से, चलो चलो यहाँ निकलते हैं यहाँ से। टेंट वेंट रहने तो अपन सुबह आके आज के ले लेंगे वापस। हाँ चलो ये छोटू का, छोटू उठो यार किसी के। छोटू भाई क्या करें, चलो तो ध्यान रखो भाई, कोई वापस जा रहा है।
हाँ बाइक लेके आए वो वाल खड़ी बाकी सब चीजें सुबह ले लेंगे भाई। चलो 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 चलो।